वापस एक बार हम लोग आ गए हैं फोर्ज़ा होराइज़न 5 के अंदर, और लास्ट टाइम मैंने ये बाइक दी पगानी की वायरा हुदा क्या बोलते हैं इसको, मुझे कोई आइडिया नहीं ठीक से, बट भाई दिखने में खतरनाक एंटीज गाड़ी। और आज हम लोग एक पॉपुलर गाड़ी जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताई वो लेने वाले है, वो है डॉज चैलेंजर SRT डीमन। डॉज चैलेंजर SRT डीमन भाई खतरनाक सी गाड़ी है, मुझे पता भी नहीं वो बेचने को है या नहीं, बट आप में से ही काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसलिए हम लोग लेने वाले वो गाड़ी। और गाइस ऐसे ही कमेंट करते जाना, तुरंत कमेंट करना कौन सी गाड़ी लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में शायद से नहीं ला पाऊंगा मैं, बट एक दो वीडियो बाद 100% आने के चांसेस है उसके, क्योंकि अपने को सारी की सारी गाड़ियां वैसे भी खरीदनी है इस गेम के अंदर। भाई ये बहुत तेज गाड़ी, बहुत तेज गाड़ी है। हम लोग देखते हैं पहले डॉज चैलेंजर SRT डीमन है क्या अपने पास। भाई गाड़ी का पूरा नाम क्यों बोल रहा हूं मुझे पता नहीं, नॉर्मल बाइक करने के लिए है क्या वो देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिली तो ऑक्शन हाउस में देखेंगे। तो यहाँ पे डॉज पे चलते हैं भाई, मजा आने वाला यार। भाई मुझे एक्चुअली मसल कार बहुत पसंद है और डॉज चैलेंजर, अबे डॉज चार्जर चैलेंजर में ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक मिनट डॉज पे चलते पहले। डॉज चैलेंजर SRT डीमन, ये सीरियसली इतनी सस्ती गाड़ी है, तुम लोग मुझे कब से बोल रहे हो लेने को। भाई आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी, कुछ 1.5-2 मिलियन की होगी, इसलिए कब से बोल रहे हो तुम लोग। मैं इसको यार ऑक्शन से खरीदने वाला था। भाई छोड़ो यार, तुम लोग बोल रहे हो इसको लेंगे हम लोग, देखते हुए क्या प्यारी लगती है। इसका रियल प्राइस देखना मुझे, रुको रुको अब तो रियल प्राइस देखना क्योंकि बहुत खतरनाक गाड़ी है, मुझे देखना है इसका रियल प्राइस देखना है। एंड ये कौन से कलर में बेटर लगेगी, मुझे लाल या ब्लैक कलर, ब्लैक बहुत खतरनाक लग रहा है इस पे, ब्लैक पे खतरनाक दिख रही है भाई ये गाड़ी, ब्लैक पे भी मस्त लग रही है। वेट अ मिनट, ये आग वाला क्या लग रहा है ये कलर। भाई हम लोग लेंगे इसको, लेंगे पहले लेते गाड़ी लेते ठीक है, 1.5 लाख की सिर्फ, मजा आएगा इसके साथ और मस्त मैं इसको चलाऊंगा। इसके साथ ही हम लोग काफी सारे रेसेस करेंगे, लाइक जो पॉसिबल है वैसे वाली रेसेस, और इसको ट्यून भी खतरनाक करेंगे हम लोग। भाई क्या गाड़ी दिख रही है, इसको चला के देखना, मुझे तुरंत चला के देखना है। पहले तो हम लोग इसको देखते कैसी लगती है। भाई ये कुछ अलग टाइप की गाड़ी है, हेलो एक मिनट पूरा खोल के देखते इसको। भाई खतरनाक है, मुझे बहुत पसंद आ गई सीरियसली बोलता हूँ, इसका इंजन भी खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक वाली मसल कार है। मुझे देखना है इसका रियल प्राइस कितना, ठीक है इंडिया में देखना मुझे एक्चुअली कितना है, इंडिया में तो डायरेक्टली मिलेगी नहीं, बट बाहर के हिसाब से 80 लाख की गाड़ी है, इंडिया में इसके डबल कर लो 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगी। भाई ये खतरनाक गाड़ी, मैं सही एडिशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे को लग रहा है ये खतरनाक गाड़ी, भाई दिखने में खतरनाक है। हम लोग फटाक से इसके अंदर चलते हैं एंड इसको हम लोग कस्टमाइज करते तुरंत, लाइक लिटरली हम लोग यार नहीं पहले नॉर्मल चला के देखेंगे स्टॉक में कैसी चलती है, ठीक है स्टॉक में देखते हैं। ओके ये ड्रिफ्टिंग के लिए बनी है भाई। भाई मैं सच्ची बोलता हूँ तुम लोग को, इसका स्पीड तो कम है बट कुछ अलग फील आ रहा है इसको चलाते समय, लाइक ऐसा लग रहा है कुछ पावर है अपने हाथ में। रुको रुको अंदर से चला के देखते, ऐसा कुछ पावरफुल मशीन चला रहे ऐसा लग रहा है भाई, बट मजा आ रहा है इसको चलाते समय यार। मुझे लगता है ये गाड़ी अगर 4 लोगों की होती ना, इसको मैं भाई सोचता कभी खरीदने का, बट अभी तो नहीं यार, बट हम लोग के पास यार फोर्ज़ा है तो इसमें ही चला के देखते। मुझे लगता है इसको ना अपने को ट्यून करना ही चाहिए पहले, भाई कोई मतलब नहीं है बिना ट्यून करे ना, बिना ट्यून करे इसका टॉप स्पीड वगैरह देखने का कोई मतलब नहीं अपना, लाइक सिर्फ इतना ही पता चलेगा कितना बढ़ गया है ये। शायद से जाते हो कि 200 के आसपास मुझे लगता है, 200 के ऊपर तो मेरे को नहीं लगता ये जा सकती है गाड़ी, अभी इस कंडीशन में तो नहीं जा सकती। ओ जाती है 200 के ऊपर भी जाती है भाई, कम नहीं समझ सकता मैं इस गाड़ी को, भाई नॉर्मल सी गाड़ी नहीं है। अबे ऐसे भी 300 तक जा सकती है, हेलो ये जा सकती है गाड़ी, जा सकती है भाई, इसमें है उतना है पावर है भाई, पावर है दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे गाड़ी खतरनाक सी और जा सकती है भाई, उतना तेज जा सकती है। तो इसको ना मैं पहले ही ट्यून कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे एक्चुअली देखना है इसको ट्यून करके कि कैसी लगती है गाड़ी। सो इसमें कुछ किट्स वगैरह आती है क्या? नहीं, इसमें भी बॉडी किट्स नहीं आती, अपग्रेड हम लोग को कस्टम ही करना पड़ेगा। तो इंजन वगैरह फ्यूल सिस्टम भाई रेस वाली से क्या होगा, थोड़ी हैंडलिंग कम हो जाएगी बट चल जाएगा यार, ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। रेस इग्निशन, अच्छा इग्निशन भी रेस वाला लगा सकते हैं। ओके रेसिंग वाली चीजें मोस्टली लगाता हूं मैं, रेस एग्जॉस्ट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। देन ये वॉल्व से स्पोर्ट्स कार का ही लगाते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स वाले लगाते हैं इसमें सब, ठीक है। रेस इंजन लगाते हैं, जहाँ जहाँ ऑप्शन है रेस का तो वहां पे रेस पे चलते हम लोग। अच्छा रेस पॉजिटिव कुछ तो था, इंटरलॉक स्पोर्ट्स वाला लगाता हूं ना, स्पोर्ट्स वाला लगाता हूं। देन ये क्या है, ऑयल कूलिंग, ओके सही है। फ्लाई व्हील स्पोर्ट्स वाला फ्लाई व्हील सही है भाई, खतरनाक चीज है। ए इतना ही है क्या इसमें? अच्छा वो इंजन के अंदर था, मैं बोलूं भाई इतना कम कैसे है। रेसिंग के
ब्रेक्स लगाते हैं, स्प्रिंग्स वगैरह, स्पोर्ट्स वाले लगाते हो उसमें। भाई स्पोर्ट्स वाले में मजा आएगा यार चलाने में, स्पोर्ट्स फ्रंट बार सब कुछ स्पोर्ट्स। लिटरली बोलता हूँ ये गाड़ी बहुत खतरनाक होने वाली है, मुझे पसंद आ रही है, काफी ज्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स चैसिस लगाते हैं। देन ये क्या है, अच्छा ये रिडक्शन है, वेट रिडक्शन किया इसका थोड़ा सा मैंने। देन ये क्या है, ये क्लच वगैरह हम लोग चेंज करेंगे, रेस वाला क्लच तो रेस वाला लगाएंगे। ट्रांसमिशन एक्चुअली थोड़े से कम ट्रांसमिशन होते ना स्पोर्ट्स वाले, तो वही सही है भाई, स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन है। मुझे पता नहीं इसमें कितने आते हैं यार, स्पोर्ट्स लगाते हैं, स्ट्रीट स्पोर्ट्स। भाई पता है मुझे काफी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ मैं, बट लगाना पड़ जाए सही लगेगा उससे। टायर्स पे भाई मैं ना मोस्टली हाथ नहीं लगाता टायर्स में, सिर्फ कंपाउंड देखता हूँ एक बार। आई डोंट थिंक कंपाउंड भी ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत है मुझे, नहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टायर्स को मैं ज्यादा हाथ नहीं लगाता, स्टॉक वाले मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फ्रंट बम्पर में क्या है अपने पास, अच्छा रेस फ्रंट बम्पर खतरनाक लग रहा है। स्पॉइलर है क्या अपने पास, ओ भाई लगाओ क्या स्पॉइलर, मस्त लग रहा है यार, मस्त लग रहा है, मुझे पसंद आ गया। लास्ट क्या, कन्वर्जन, अच्छा इंजन स्वैप, इंजन हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका पूरा, इंजन नहीं चेंज करना मुझे। ओके, ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं चाहिए, ये रियर व्हील ड्राइव ही सही है। और इंस्टॉल करते हैं इसका, पहले मैं टॉप स्पीड टेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस से दूसरी ट्यून लगाएंगे जो रेसिंग के लिए मैं बनवाया रहा था। तो ये देखो अभी यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है भाई, गाड़ी का आवाज सुनो, वेट 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 भाई, गाड़ी का आवाज तो सुनो, और क्या आवाज आता है यार ये गाड़ी का, बहुत खतरनाक है। ओके अभी देखना। अरे वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे सामने ट्रैफिक लगा पड़ा है। ठीक है उसका छोड़ो यार, हम लोग इसका ना स्पीड टेस्ट करने वाले। ठीक है वेट वेट वेट, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सही से, यार मुझे देखना कि 0 to 100 कितने में जाती है, आई थिंक बहुत तेज जाएगी ये। ठीक है तो अभी रेडी रहते हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा लग रहा है 1 सेकंड के अंदर 0 to 100 गई ये गाड़ी, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, 300 तक चलेगा भाई इतनी जल्दी। हेलो भाई सीरियसली, 350 के ऊपर चली गई, ए साइड हो जा। ओ भाई साहब वहाँ पे ट्रक लगी पड़ी थी, 370 आई थिंक ये 400 के ऊपर जाती है, बट मैंने थोड़ी सी बैलेंस वाली ट्यून इसमें लगा ली है, लाइक फुल भी अपने को टॉप स्पीड नहीं चाहिए, थोड़ा सा हैंडलिंग भी चाहिए अपने को। ए भाई ये बड़ी बड़ी आज बसेस कहाँ से आ रही है, हेलो वो भाई क्या नियर मिस्टा पता है क्या, वो अधिक 400 तक ये जा सकते हैं आराम से, मुझे लग रहा है 400 तक जा सकती है। ओके नहीं 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 नहीं, ये वाला टर्न नहीं हो पाएगा इससे, ये वाला टर्न नहीं हो पाएगा, लगा ही था भाई। बस 400 तक गई यार ये गाड़ी लगभग, इससे मुझे लगता है अभी रेसिंग वाली ट्यून लगानी चाहिए, गाड़ी खतरनाक है भाई, पसंद आ गई मुझे। गाइस अभी ना मैंने रेस ट्यून लगा ली एंड थोड़े बहुत हम लोग रेसेस कर रहे हैं। ठीक है देखते हैं ये अपने एना कहा की रेसिंग अपने को बता दे। ठीक है वैसे ड्रैग ट्यून नहीं है वरना, सॉरी ड्रिफ्ट ट्यून नहीं है वरना मैं मस्त ड्रिफ्ट मार के दिखा दिया तुम लोग को। ये रेसिंग वाली ट्यून लगाई अभी, बहुत तेज चलती गाड़ी, बहुत तेज चलती। ये बोल रहे ये टर्न शार्प लेफ्ट, अरे भाई पागला गई है क्या, ये देख ऐसे टर्न शार्प लेफ्ट करते हम, ये देख सीधा स्ट्रेट लेने का, अब पागल है बोल रहे ये टर्न अराउंड, नहीं भाई सीधा जाएंगे हम, तेरा सुनूंगा क्या मैं अब, क्या बन गई ये देखो। भाई मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे रेस करने के लिए, बट यहाँ पे मुझे दूसरी चीज दिखी है, आई थिंक मुझे उसको करना चाहिए अपने को ना, यहाँ पे बांध फाइंड यानी कि एक गाड़ी ढूंढनी चाहिए। ओके मिल सकते, मुझे लगता है मिल सकते यार, इतना बड़ा भी जगह नहीं है और काफी ज्यादा ओपन स्पेस मुझे दिख रही है इसमें। ठीक है काफी ज्यादा ओपन स्पेस है यार ये, तो यहाँ पे तो काफी इजी होना चाहिए मुझे लगता है ढूंढना। कभी कभी ना रस्ते के आसपास से होती है ये जगह है, क्योंकि लाइक रस्ते से हम लोग जल्दी आ सकते हैं ऐसा उन्होंने सोचा रहता है। ओ यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट पे, अरे यार मैं उसके साइड से निकल गया पता है क्या, ये बांध फाइंड यहाँ पे देखते हैं अभी क्या मिलता है अपने को। क्या भाई ये कुछ आइडिया नहीं मुझे सच्ची बोलता हूँ। 425 brake horsepower Hemi engine. Dodge Dart है ये? Dodge से ही हम लोगों ने Dodge ढूंढी भाई, खतरनाक चीज है ये। चलो भाई अभी हम लोग चलते हैं रेसिंग करने के लिए ये वाली गाड़ी के अंदर, मतलब ये वाली गाड़ी यूज करते हुए। यहाँ पे कहीं पे XP का बोर्ड है बट मुझे दिख नहीं रहा है। ओके दिख गया मुझे अभी, यहाँ पे मुड़ गया थी बस भाई साहब, क्या कूल गेम है यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसमें मुड़ गया लाइक ये गेम में भाई, क्या मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाते समय, सच्ची मजा आ रहा है मुझे तो, बहुत मजा आ गया भाई। अभी यहाँ पे भी एक बांध फाइंड है ऐसा लग रहा है मुझे देख के। चलो इसको बाद में हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करते हैं अभी यहाँ पे थे
और यहाँ पे एक रेसिंग करते अगर जम सकता है तो नहीं यार, यहाँ से अगर मैं करूंगा तो ये रुको, ये वाली गलत रेसिंग हो जाएगी। ये सही है ना, सही रेसिंग है, आई थिंक सही रेसिंग है। चलो ओके, इससे हम लोग अभी एक रेस करके देखने वाले। आई होप कि ये लोग बोले कि ये गाड़ी यूज करो, बट क्यों नहीं भाई, ये वाले क्यों नहीं यूज कर सकता मैं भाई। ये लोग बोल रहे ये डॉज यूज मत करो, डॉज चैलेंजर यूज मत करो, बट हम लोग करके रहेंगे भाई, करके रहेंगे। हाँ भाई हाँ, साथ में कौन है? ओ भाई साहब, थोड़ा बारिश का समय और साथ में हम लोग के साथ डॉज भी है काफी सारी भाई। रेडी हूँ, रेडी हूँ, मैं काफी हद तक रेडी हूँ। शुरू के शिफ्टिंग मुझे कुछ सही से करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते ध्यान नहीं दिया बात करने में। मैं क्या कर रहे हैं लोग, सीरियसली कर क्या रहे, अजीब सा भगाना भाई। ये लोग भी नहीं भगा रहे और मुझे भी आगे नहीं जाने दे रहे भाई, अजीब लोग एकदम। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाले ड्राइवर्स भाई। चल 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 चल, फोर्थ पे हो, मुझे पता है मैं एटलीस्ट सेकंड थर्ड तो आराम से आ सकता हूँ भाई इसमें, दिख रहा है मुझे ये। साइड ना भाई यार, ये देखो ना, इसको देख लो बाद में। अबे कैसा ठोक रहा है मुझे भाई, जान मुझ के कैसे, तू बाद में मिल मुझे। ये जीते होती ना अभी ठोक देता है इसको मैं भाई। नहीं जम रहा यार, ये गाड़ी बहुत मतलब सही है, गाड़ी सही है, पावर भी सही है इसमें, बट मेरे को नहीं जम रहा है ऑनेस्ट बोल तो। ठीक है, लाइक गाड़ी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ ये चीज। और ये सामने वाला नूबड़ा कहीं का मुझे आगे नहीं जाने दे रहा कब से यार, दिमाग हट गया मेरा। रुक जा, इसको ना एक टर्न पे देखना पड़ेगा मुझे। चल 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 चल, बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। निकल जाएगी, निकल जाएगी भाई, फर्स्ट आ सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं भाई। यार थोड़े से के लिए हम लोग सेकंड आ गए, थोड़े से के लिए यार, मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा भी कभी, मुझे सच्ची नहीं लगा था भाई कि सेकंड आ जाएंगे हम लोग। बहुत हाई चांसेस थे मेरे फर्स्ट आने के, अजीब लगता है भाई इतना इतना मतलब इतना क्लोज आके जब हारते ना तब अजीब लगता है। रुको, दूसरी रेस में हम लोग फर्स्ट आ गए इसी गाड़ी के साथ। मे बी मुझे ट्यूनिंग यार और कुछ सही करनी पड़ेगी। ओके, इसमें भी ये लोग बोल रहे हैं मत यूज करिए गाड़ी भाई, लेकिन हम करेंगे, हम किसी की नहीं सुनते दोस्तों। गाड़ी खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा, गाड़ी बहुत खतरनाक है, प्यारी गाड़ी यार, एकदम प्यारी गाड़ी। ओके, अपने साथ बहुत खतरनाक वाली गाड़ी अभी साथ में। लेकिन हम लोग आगे निकल के रहेंगे भाई। वो भाई सच्ची में बहुत तेज से आगे निकल गया हूं मैं भाई, टर्न्स पे वगैरह ना बहुत अजीब चल रही है गाड़ी, मैं बोल नहीं सकता आपको। भगा भगा भगा, फर्स्ट हो सकता हूँ मैं, फर्स्ट हो सकता हूँ, फर्स्ट हो सकता हूँ आराम से। यस, भाई यार बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी है गाइस ये रेस के लिए, सच्ची बोलता तुम लोग को। और ये स्ट्रीट रेसिंग है ना तो इसमें ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अभी मैं सही से कह रहा हूँ भाई, अभी मैं सही से कह रहा हूँ। अबे ऑफ रोडिंग नहीं भाई, बहुत क्लोज आ जाएंगे ये लोग, बहुत खतरनाक यार, बहुत अजीब खेलते ये लोग। भगा 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 भगा, आधी रेस हो गई है अभी, अब तेरे को स्लो होके नहीं चलेगा। और रात में रेसिंग है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं दोस्तों, सच्ची बोलता हूँ रात की रेसिंग ना सबसे घटिया रहती है ऐसा मेरा ख्याल है। भाई यार अभी अपने को पहाड़ चढ़ना है ऊंचा सा भाई, सीरियसली अपने को पहाड़ चढ़वा रहे ये लोग। भगा 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 भाई, बहुत क्लोज आ गया बंदा। भाई क्लच दबा दिया मैंने गलती से हालांकि क्लच अभी अपना बंद है, पर स्टिल भाई उससे कुछ निगेटिव इफेक्ट आ ही सकता है ना अगर चालू होता तो। नहीं, आराम से आराम से भाई, आराम से। ओ भाई भाई भाई,
अबे क्या भाई नाटक कर रहा था मैं, मुझे पता है मैं जीतने वाला हूँ। बट ये यार रात की रेस ना मुझे पसंद नहीं आती दिखने में। फर्स्ट आ गया फाइनली इस वाली गाड़ी से भाई, फाइनली आ गया मैं फर्स्ट। मेरे लिए लाइक बनता है इस बात के लिए सच्ची में। ओके अपने को ना कुछ अभी मैराथन कम्प्लीट करनी है, मैं देखता हूँ क्या चीज है ठीक है अभी। ओके यहाँ पे कुछ नई चीज है वो अपने को करनी है। अबे उड़ानी नहीं गाड़ी, रुक उड़ाती लग गया था मैं गाड़ी सीधा। ठीक है कुछ तो स्ट्रीट मैराथन करनी है अपने को। अब इसमें से गाड़ियां कौन सी रिकमेंडेड है अपनी? अच्छा SC20 वगैरह है या रिकमेंडेड? मुझे लगता है पोर्शे से ही करनी चाहिए मुझे, पोर्शे टाइकन टर्बो से ही। ये वाली रेसिंग भाई मजा आता है यार, पोर्शे चलाने में ही मजा आता है। डॉज चैलेंजर अच्छी है पर टर्न्स पे थोड़ा इश्यू दे रही है। पोर्शे यार बहुत ज्यादा ये एक्सेलरेशन देती है। वो भाई लैम्बोर्गिनी सेंसा वगैरह आई थिंक अपने साथ में सही। ये मैराथन है कुछ तो, आई थिंक बहुत मल्टीपल रेसेस करनी पड़ेगी अपने को। रेडी रहते भाई ठीक है। साइड ना, चलना चलना, हटना भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी साइड दे। चल बेटा चल, निकलना बेटे निकल, साइड देने का, ऐसे ही साइड देने का ठीक है। कभी आगे नहीं आने का अपने, ए साइड साइड हो जा भाई, कभी आगे नहीं आने का बोल दिया भाई तो भी ये गुस्सा हो गया यार। और क्या भाग रही है गाड़ी, मैं बहुत जल्दी आगे निकल गया भाई। क्या भाग रही है गाड़ी, ये इजी हो गई पूरी गेम इसके बाद, ये गाड़ी के बाद भाई। पोस्ट टाइगन टर्बो ऐसे ना भाई, खतरनाक गाड़ी भाई, मैं मान नहीं सकता है। इससे बेटर गाड़ी है इस गेम में। और इसका भाई रीजन क्या पता क्या, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर इसमें दूसरी इलेक्ट्रिक होगी ना तो मुझे वो ट्राई करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम लोग आगे देख सकते हैं कि भाई कौन सी इलेक्ट्रिक बेटर। ए भाई भाई आराम से भाई अजीब अजीब जगह लेके चल रहे हैं अपने को सच्ची भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ चलना है भाई। ये नूबड़े वॉट्स अपने बहुत तेजी से पीछे आ रहे हैं। नहीं नहीं, टेंशन मत लो, तुम लोग को दिखा दो, थोड़ा सा मुझे बस टाइम देना क्योंकि ये जो टनल से ना मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। इधर मैंने कभी रेसिंग नहीं की है, मुझे ऐसे ऐसे चूहे जैसा अंदर बैठने की आदत नहीं है ठीक है, समझ लो ना बात को। अब देखता दोस्तों, थर्ड तो मैं हो ही गया हूँ, आराम से फर्स्ट हो जाऊंगा। रुको 20% ही रेस कंप्लीट हुई है भाई। गाइस मुझे सीरियसली पता ही नहीं ये रेस कितनी वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि सच्ची बोलता हूँ बहुत ज्यादा लंबी रेस है आई गेस। आप भगा। अच्छा मैंने फर्स्ट गियर नहीं डाला यार, गियर डाउन करना है। अबे क्या बंदा है भाई साहब, खुद तो अटक गया और मुझे भी अटका दिया था इस बंदे ने। इनको आप दिखा दे, रुको अभी ओपन में आ गए ना हम लोग, अब दिखाएंगे भाई। एक जगह से मैं निकल गया हूँ आगे ठीक है, अब अपने को कंटिन्यू रखनी यही चीज ठीक है। लाइक फर्स्ट ही रहना है, कुछ भी हो जाए भाई फर्स्ट ही रहना। और स्पीड तो बिल्कुल भी कम नहीं करनी अपने को, मतलब कम करनी पड़ेगी बट इतनी भी नहीं कि अपनी वायर लग जाए भाई। वाओ भाई कैसे वैसे मैं फर्स्ट हो गया पता क्या। और अभी 1/3 रेस कंप्लीट हुई है, लगभग 40%। चलो भाई कुछ ज्यादा ही बकवास रेस है ये, मैं तो आपको पूरी रेस भी नहीं दिखा पाऊंगा इतनी लंबी रेस है ये भाई। ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग पूरे मैप को मेरे से चक्कर लगाने वाले भाई, सीरियसली बोलता हूँ तुम लोग को। भाई वापस हम लोग ये वाली जगह पे आ गए। हेलो चल क्या रहा है, कहाँ पे लेके जाएगा भाई? बहुत ज्यादा क्लोज है भाई अपने पीछे एक बंदा ठीक है, इसको अभी दिखा दे। रुको आराम से राइट लेते हैं एंड अभी क्या स्ट्रेट भगा दे देखना बस तुम लोग। हाथ दर्द करने लग गया भाई मेरा। 2 किलोमीटर पे चेक पॉइंट है और सिर्फ अपने को हाईवे पे भगाना है। लिटरली ये रेस है पूरे मैप के राउंड, पूरा मैप यूज हो रहा है भाई इस रेस में। मुझे भाई व्हील को छोड़ना नहीं है, व्हील छोड़ दिया वाट लग जाएगी ठीक है। 400 का स्पीड, एक मिनट भाई यहाँ से स्लो होना पड़ेगा थोड़ा, 400 कुछ ज्यादा होता है ना स्पीड। 400 पे अगर ठुक गया कोई इंसान भाई वाट लग जाएगी उसकी भाई। लिटरली बहुत ज्यादा क्लोज है भाई। ए क्या कर रहा है ये भाई? ये बंदा ना लास्ट में आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेरा ही स्ट्रैटेजी है भाई। यार चल यहाँ पे तो अपने को आगे निकलना भाई, इससे निकलना ही पड़ेगा, लाइक अपने पास ऑप्शन नहीं है। हट जा भाई, 10% ही बची अभी रेस भाई। नेक टू नेक है, बहुत क्लोज है हम लोग यार एक दूसरे के। बगा भाई अभी मजे आने वाले, अभी भाई स्ट्रेट रास्ता है, मुझे सिर्फ स्ट्रेट भगाना है। हाथ छोड़ के भगाएंगे हम, ए नहीं छोड़ो, हाथ छोड़ के भगाऊंगा, जो का देखा जाएगा दोस्तों। हाथ हम लोग पकड़ेंगे नहीं। अरे कहाँ गया, क्या हो गया ये? हेलो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? अरे तो लग गए। नो
भाई क्या कर दिया मैंने, उसको बोलते ज्यादा प्रो होने का नुकसान, मतलब इतना आगे था मैं कि ओवर कॉन्फिडेंस। भाई ओवर कॉन्फिडेंस बोलते दोस्तों इसको, इतनी लंबी रेस थी मैं आपको बता भी नहीं सकता यार, अभी जीत क्या होता। क्या नाचते हैं लोग भाई, कभी और कॉन्फिडेंट मत होना दोस्तों, कभी और कॉन्फिडेंट मत होना। आई थिंक इस चीज की क्लिपे बनेगी कहीं पे, अगर किसी ने फोर जा रहा है इनके फनी मोमेंट डाले तो। हाथ छोड़ दिया, साइड से निकल गया, मेरे को पता ही नहीं था यार कि लास्ट वाले चेक पॉइंट को भी एकदम सही से करना पड़ेगा। जीन्स वगैरह दे रहे, क्या करूं मैं इसका, बहुत गंदा कटा है दोस्तों मेरा। प्लीज प्लीज इसके लिए मेरे लिए एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब करके रखो एंड इस सीरीज के बाकी भी वीडियो देखना। और ऑब्वियसली भाई कौन सी गाड़ी लेनी है बता दे जाओ ना यार नीचे कमेंट सेक्शन में, मजा आता है, मैं सारी गाड़ियां लेते जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।